सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं जी मैं अपने न्यू व्लॉग में। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 8 बजे से। तो भाई तो चले गया है नहाने क्योंकि इसने जाना है अभी स्कूल। तो अभी मैं भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मैंने चपातियाँ बना दी है और अभी लगाई हुई है मैंने चाय बनाने के लिए। तो सब्जी तो रही हुई है, ये बनाई हुई थी शाम को और चपातियाँ मैंने अभी बना दी है और इधर बन रही है जी अभी चाय। तो जब तक भाई नहा के आता है तब तक मैं इधर रूम साफ कर देती हूँ। तो रूम के हाल कुछ इस तरह का हुआ है, तो आप देख सकते हो इधर मैंने अभी कपड़े भी फोल्ड नहीं किए हैं क्योंकि आजकल शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है जिस वजह से हम मतलब रजाई कंबल में हमारे को बैठना ही पड़ता है। तो इधर मैं रूम साफ कर देती हूँ। इधर ब्रेकफास्ट भी निकल चुका है। ब्रेकफास्ट में है आज भिंडी की सब्जी और चाय। तो ये भी इधर तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए। तो इधर आप बाहर तो देख सकते हो कि अगर धूप खिली हुई है बाहर। तो फाइनली अभी चले गया है। तो दोस्तों अब ब्रेकफास्ट तो हमारा हो चुका है और अब करते हैं जी झाड़ू का काम शुरू। झाड़ू दे देती हूँ इधर से पूरा रूम साफ करके, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रूम कैसा लग रहा है साफ करके। रूम भी साफ कर दिया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है जी हमारा रूम। तो सबसे अच्छी जगह मुझे ये वाली लगती है क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा पढ़ाई करने बैठती हूँ जब मैं लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा पढ़ाई करने का है, तो मैं पढ़ाई करने इसीलिए नीचे बैठती हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर विंडो है, विंडो से खोल के इतनी अच्छी हवाएं चलती है जिससे मज़ा ही कुछ और आता है। अगर बेड पर बैठते हैं तो यहाँ पर तो भाई नींद ही आ जाती है, तो इसीलिए नीचे ही बैठ के करती हूँ। तो इधर देखें इस तरह का हमारा रूम है। तो इधर देखें सेब के बॉक्स का हमने क्या बना दिया है, इसका मैंने टेबल ही बना दिया है। और इधर देखें, तो अब मैं लेके चलती हूँ जी आपको इधर किचन की ओर। तो इधर है जी अभी मुझे सफाई करने के लिए जो मैंने अभी तक नहीं की हुई है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट के बर्तन भी ऐसे ही धोने के लिए रखे हुए हैं। तो अब तो इधर नहाने के लिए पानी भी गर्म हो रहा है, जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं इधर बर्तन वगैरह धो देती हूँ, थोड़ी इधर की भी सफाई कर देती हूँ। अब हमें सूर्य देवता जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो इधर देखें इधर का व्यू कुछ इस तरह का है आज। और इधर बहुत ही तेज धूप खिली हुई है। तो इधर मिले भैया से, तो भैया भी चल पड़े हैं जी लाइब्रेरी। बाय बाय। उधर को कर रहे, इधर को करो।
वही अपना फेस, नहीं जानते आपको कोई नहीं कोई नहीं पहचानता आपको। तो इधर देख के कितने सुंदर फ्लावर है, बहुत ही अच्छे खिले हुए है। तो इधर मिले, इधर मिले काकी से। काकी भी आ चुकी है प्रैक्टिस करके 10 बजे वापस आओ 11 बजे। तो इधर मन्नत ने कपड़े धो दिए हैं, कपड़े धो के फ्री हो चुकी है लड़की, अपने झाड़ू से बालों को सुधार रही है। मैं भी नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और अब बैठते हैं जी अपने पढ़ाई करने। तो पढ़ाई करने तो मेरी सबसे बेस्ट जगह ये ही वाली है, तो मेरी बुक्स वगैरह भी यहीं पे ही होती है। तब हम बैठते हैं थोड़ी देर, 1 बजे तक पढ़ाई करती हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, तब 1 बजे तक बैठती हूँ। तो उसके बाद तो इसमें लंच बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। टाइम हो रहा है 1:01 बज चुका है और अब मैं लंच बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो मैंने इधर दाल पका दी है, दाल में है जी आज बना रही हूँ मैं मूंग की दाल, तो मैंने ये पका दी है। तो अब करती हूँ जी लंच बनाने की तैयारी शुरू। तो इधर दाल भी पक चुकी है, तो आप देख सकते हो ये भी बढ़िया से पक चुकी है। तो इधर मैंने प्याज लहसुन और मिर्च का अच्छा पेस्ट बना दिया है। तो इधर टमाटर का पेस्ट भी बन चुका है। इधर हो रहा है जी प्याज लहसुन ब्राउन। तो दोस्तों मैं अभी सो के उठ रही हूँ और मैं सो चुकी थी 2:50 के आसपास मैं सोई थी और मैं उठ रही हूँ जी अभी 5 बजे के आसपास मैं उठ रही हूँ। और अब चलती हूँ जी थोड़ी देर बाहर, फ्रेश हो जाती हूँ और मुझे इधर ठंड का एहसास भी हो रहा है। इधर सनसेट भी हो चुका है और अंधेरा देखो आप रूम में कितना ज्यादा हो चुका है। और अब खोलते हैं जमीन को कर्टन को ताकि इससे उजाला आए हमारे रूम में बढ़िया सा। तो अब ठंड का एहसास हो रहा है तो बाहर से अब जैकेट पहनती हूँ, फिर थोड़ी देर बाहर घूम के आती हूँ, उसके बाद अपनी डेली रूटीन में बैठ जाते हैं। उसके बाद वैसे भी पढ़ाई करने बैठना होता है। तो मैंने बाहर से जैकेट भी पहन ली है और अब चलती हूँ जी बाहर की ओर। तो इधर सनसेट भी हो चुका है, सनसेट हमेशा यहाँ जैसे होता है। तो इधर देखे, इधर मुझे अभी भी बाहर से ठंड का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फाइनली अभी स्कूल से पहुंच चुका है, तो अब इधर थोड़ा सामान लेके आया हुआ है। तो ये अभी तेल डब्बे में डाल रहा है और इधर थोड़ा बहुत सामान है। इधर है जी सर्फ, तो इधर है जी चिन्नी। ओहो ये तो फटी हुई है भाई, दिया किसने तेरे को ये फटा हुआ? कौन था ये हाथ से? मेरा हाथ भी चलने में तभी तो मैंने ये मांगा बाहर से कि वो दे दो। तो इधर हमारा काम हो रहा है और इधर डिनर तो वैसे भी बना हुआ है, मूंग की दाल मैंने शाम के लायक बना के रखी हुई है, अब मैं बढ़िया से चपाती बनाऊंगी। तो इधर हमने पीने के लिए पानी भी बॉईल कर दिया है, तो अब सर्दी में बॉईल करके ही पीना पड़ता है।